पैसा जब इंसान के पास आता है तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देता है, लेकिन चला जाता है कितना भी योग्य कितना भी विद्वान, उसका दिमाग अपने आप आउट हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं करता। आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप दीपावली को करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि बहुत सक्षम हो जाएंगे धन के मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई ना कोई रास्ता आपके आय का निश्चित रूप से बनेगा। बहुत प्रभावशाली नुस्खा है, बहुत प्रभावशाली तोड़गा है, इसको करें और लाभ लें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप समय समय पर देखते रहें। आप में ऐसी भावना है, इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को भी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। चलिए आज आपको बताते हैं दीपावली को कौन सा ऐसा एक तोड़गा उपाय करें जिसको करने से धन के मामले में आप सक्षम हो सके। और ऐसा ही नहीं, दीपावली के अतिरिक्त भी यदि आप इस उपाय को करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा वार है कि इस उपाय को आप कर सकते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, पूरी तरीके से देखें, अंत तक देखें। साथियों, पैसे से यदि तंगी चल रही है, बहुत ही कष्ट है, तो इस उपाय को करें, निश्चित रूप से आपको धन के मामले में सक्षमता मिलेगी। करना क्या है, तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, क्योंकि दीपावली के बाद तुलसी विवाह आता है और तुलसी विवाह शालिग्राम से हुआ था। अब ऐसे में यदि दीपावली नवंबर 2021 में, यानी 4 नवंबर 2021 में दिन गुरुवार है, नोट कर लें, और इस उपाय को गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन यदि दीपावली गुरुवार को पड़ती है और आप इस उपाय को करना शुरू करते हैं तो ये मान के चलो पूरे साल भर आपके घर में लक्ष्मी निवास करती है। धन की कमतरता नहीं होती, धन की कमी नहीं पड़ती, कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी, जेब खाली नहीं होगी, पर्स खाली नहीं होगी। उपाय तो करके देखें। करना क्या है, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में, यानी कि तुलसी माता को नमन करते हुए दूध अर्पण करें। धन की समस्या समाप्त होगी और इस दीपावली से शुरू करें, प्रत्येक गुरुवार को करें, तुलसी को दूध अर्पण करने से धन लाभ होता है। जो पैसा आप कमाते हैं वो टिकता है, बरकत होती है। उपाय करें, लाभ लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।